वही दिल्ली में मानसून के आते ही दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू मलेरिया समेत जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम को फंड जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों के लिए भी शहरी विकास विभाग को फंड जारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनावी साल में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए मॉनसून आते ही केजरीवाल सरकार भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि घर घर जाकर डेंगू के मच्छरों की जांच, समय से दवाइयों का छिड़काव और अन्य तैयारियों के लिए तीनों नगर निगमों को तुरंत फंड जारी करे। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 57.15 करोड़, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 28.40 करोड़ जबकि दक्षिणी नगर निगम को 23.57 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम को हिदायत भी दी गई है कि वो समय रहते जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्रवाई शुरू करे। फंड की कमी बहाना नहीं बनाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ नगर निगम स्कूलों पर भी सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम स्कूलों के लिए भी फंड जारी किया है। तीनों नगर निगमों में शिक्षा के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 12.50 करोड़, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 22.50 करोड़ और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को 11.75 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है दिल्ली नगर निगम फंड के लिए सरकार पर निर्भर है और समय से फंड रिलीज नहीं करने को लेकर अक्सर दिल्ली सरकार पर आरोप भी लगते हैं। जब मॉनसून की दस्तक के साथ दिल्ली सरकार की सक्रियता को केंद्र से बदले माहौल का असर कहें या चुनावी साल की मजबूरी, अब नजर इस बात पर होगी कि नगर निगम सरकार के निर्देशों का कितना जिम्मेदारी से पालन करती है। दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट।